मूवीज़ केवल टाइम पास करने का जरिया नहीं होता है, मूवीज़ के लेसन को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। मूवीज़ को आप लोग जब सीखने की नज़र से देखने लगेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आपका स्टार्टअप इंप्रूव हो सकता है, आप बिजनेस में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग रॉकेट सिंह मूवी, जिसका नाम है सेल्समैन ऑफ द ईयर, एंड जो मूवी जो है 2009 में रिलीज हुआ था, ये जो एक बिजनेस ओरिएंटेड मूवी है कि कैसे एक छोटा सा महत्वाकांक्षी आदमी बड़े बिजनेस को रन कर सकता है, कैसे बड़े बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, कैसे बड़ा बिजनेस बना सकता है, इस जर्नी को बताया गया। सो दोस्तों, इस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, इसके लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर गाइस, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा और बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। इस मूवी से अगर हम लोग सबसे पहले लेसन की बात करें तो सबसे पहला लेसन आप लोग को सीखना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति, आपको अपने एम के प्रति समर्पित रहना चाहिए, आपको अपने एम के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। जैसे कि फिल्म में हीरो का कैरेक्टर रणवीर सिंह निभाते हैं, जिनका नाम होता है कैरेक्टर का हरमनप्रीत सिंह, ये जो है कंप्यूटर रिपेयरिंग के प्रति जो कि इनका पैसन होता है, इससे रिलेटेड ही अपनी कंपनी को ओपन करते हैं ताकि अपने पैसन को फॉलो कर पाएं एंड उसमें बेस्ट दे पाएं, एंड 24/7 ये जो है अपने काम के प्रति एक्टिव रहते हैं, ये जो है अपने अंतिम लक्ष्य तक अपने अंतिम प्रयास को देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, लगातार बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। एंड ऐसा ही हर एक बिजनेसमैन को होना चाहिए, लगातार आपको अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, भले ही आपको नींद को सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको पार्टियों का सेक्रीफाइस करना पड़े, छोटी मोटी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकती है, जिससे जो है आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको स्मार्ट तरीके से रिक्रूटमेंट करना चाहिए। जैसे कि फिल्म का कैरेक्टर हरमनप्रीत सिंह बेदी एक बहुत ही ज़्यादा चतुर आदमी था, बहुत ही क्लेवर आदमी था, ये जो है डिग्रियों के आधार पे, रिज्यूम के आधार पे, सीवी के आधार पे किसी के कैरेक्टर को जज नहीं करता था, किसी को ऐसे भर्ती नहीं करता था, ये जो है राइट टैलेंट को हायर करता था। एंड आपको भी अपने लाइफ में किसी को उसके डिग्री के भी आप नहीं जज करना चाहिए, आपको जो है उसे उसके अंदर टैलेंट को देखना चाहिए एंड राइट टैलेंट को हायर करना चाहिए। जैसे कि उसकी बॉस उसी, उसका नाम था क्या, नितिन, जिससे उनका बनता नहीं था, लेकिन ये जो है इसे अपनी कंपनी में शामिल करता है। क्यों शामिल करता है, क्योंकि वो जानता था कि नितिन जो है एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी सेल्समैन है एंड ये जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एसेट साबित होगा। एंड इस प्रकार से ये जो है कंपनी में अच्छी अच्छी हायरिंग करता है एंड ये जो क्वालिटी को स्पेशलिटी देता है, क्वालिटी को वरीयता देता है, ना कि डिग्री को। थर्ड नंबर की लेसन की बात करें तो आपको जोखिम लेने यानी कि रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। फिल्म में हरमनप्रीत सिंह बेदी एक कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं एंड कंपनी में काम करते हुए कंपनी के नाक के नीचे से अपनी कंपनी को खड़ा करते हैं, ऐसे में रिस्क तो बहुत ही बड़ा था, तो रिस्क लेने से भी नहीं डरना चाहिए। एंड रिस्क लेने का मतलब ये भी है कि आपको जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, जितना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ ही दांव पे लगा दे, आपको कैलकुलेटेड सोचा समझा रिस्क लेना चाहिए। नेक्स्ट नंबर की लेसन की बात करें तो आपको अपने ग्राहक को संतुष्ट करना चाहिए। जैसा कि गाइस आप लोग मूवी में देखते होंगे कि रणवीर सिंह जो है अपने हर एक कस्टमर को भगवान के रूप में देखता है एंड उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, किसी कस्टमर से ये जो है एक्स्ट्रा पैसे चेपने के चक्कर में, एक्स्ट्रा चार्जेस उन पर लगाने के चक्कर में नहीं रहता है। जैसे कि कंप्यूटर रिपेयरिंग के उनका जो पहला कंपनी था, जिस कंपनी में ये काम करता था रणवीर सिंह, आप लोग देखते हैं कि ये कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा पैसे को चार्जेस करती है एंड 24/7 इनका सर्विस भी नहीं रहता, लेकिन इनका सर्विस क्या होता है, यूनिक चीज़ लाते हैं, 24/7 जो है सर्विस को लाते हैं एंड प्लस में कीमत को कम करते हैं, जैसे कि जिसके कारण कस्टमर को अच्छा क्वालिटी ये दे पाते हैं एंड अच्छा क्वालिटी देने के साथ साथ में कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो पाता था कम पैसे के कारण एंड प्लस में इनका कस्टमर जो है रिपीट कस्टमर बन जाता था एंड कस्टमर के नज़रों में इनका जो है सम्मान बहुत ही ज़्यादा ऊँचा हो जाता था। अगर ये चारों स्ट्रैटेजीज को आप लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपका बिजनेस, आपका लाइफ जरूर ही तरक्की करेगा। फर्स्ट नंबर पे अगर हम लोग रिकैप की बात करें तो शॉर्ट में समझे तो फर्स्ट नंबर पे आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको स्मार्ट तरीके से किसी को भी लाइफ में अपने एंटर कराना चाहिए, किसी के भी रिक्वायरमेंट यानी कि किसी को भी रिक्रूटमेंट करना चाहिए लाइफ में तो स्मार्ट तरीके से करना चाहिए, उसके डिग्री के भी आप पे नहीं करना चाहिए, राइट टैलेंट को आपको हायर करना चाहिए। थर्ड नंबर पर जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए एंड फोर्थ नंबर पे अल्टीमेटली फाइनल लेसन कि आप लोगों को अपने ग्राहक को, कस्टमर को सेटिस्फाई महसूस होना चाहिए। एंड आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक तरह से मेरे फैमिली का पार्ट ही हैं, आप लोग जो है मेरे एक कस्टमर ही हैं। अगर आप लोग इस वीडियो से सेटिस्फाई होते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको राइट में जो है गुरु मूवी से लेसन मिल जाएगा एंड लेफ्ट में आपको यहाँ पर जो है टॉप 10 ऐसे बिजनेस मूवीज बता रहा हूँ इस वीडियो में कि जिसे देखकर आप लोग का लाइफ चेंज हो सकता है। सो आप इन दोनों वीडियो को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।